वेल फाइनली आई हैव रीच नमा चेन्नई। Well, these are my bags. ये मेरा हैंड बैग है एंड दिस वन इज लगेज एंड मैं भी रेडी हो चुका हूँ as you can see. ठीक है ना आते मम्मी का लगेज मम्मी बेटा। Well, right now अभी ऐसा है कि भाई को अभी छोड़ेगा कज़न भाई एंड मैं पापा के साथ जा रहा हूँ तो अभी फिलहाल मैंने बैग यहाँ रख दिया है लगेज रख दिया लगेज रख के अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ मिलते हैं। चलो ठीक है भाई। दे दो भाई मेरा बैग दे दो। सो वी हैव रीच द एयरपोर्ट एंड दिस इज द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाइक अभी फिलहाल बोर्डिंग एंड ऑल हो गया है अभी हम और भाई अभी हम लोग आके यहाँ बैठे हैं वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। अब जब यहाँ से सब लाइन बना के निकलेंगे तो हम लोग भी निकलेंगे तो चलिए देखते हैं। वेल फाइनली आई हैव रीच नमा चेन्नई। अभी मैं यहाँ लैंड कर चुका हूँ एंड मैं यहाँ एयरपोर्ट के यहाँ खड़ा हूँ। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम और मेरा भाई जो है अभी हम लोग यहाँ से हम लोग कैब लेंगे। कैब लेने के बाद या फिर कैब या ऑटो जो भी पॉसिबल होगा वो लेने के बाद हम लोग निकलेंगे। चलिए चलते हैं। हे गाइस सो दिस इज़ द डे टू। अभी हुआ ये कि फर्स्ट दिन मैं जब यहाँ लैंड किया तो उस दिन हुआ ये कि लाइक मेरा GoPro का बैटरी डाउन हो गया था एंड लाइक बहुत बारिश होने लगी थी तो नहीं कर पाया व्लॉग। सो दिस इज़ द डे टू। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड आई एम ट्रैवलिंग विथ माय ब्रो एंड उसकी दोस्त है जिसके नाम है मेगा। शी इज़ ऑल्सो विथ अस। हाँ सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक ट्रैम्पोलिन पार्क समथिंग कुछ है तो वहाँ जाएंगे वहाँ जाके फन एंड एंजॉय करेंगे। सो व्लॉग पे बने रहिए। प्लान कर रहे थे कि लाइक यहाँ आएंगे एंड यहाँ आके ट्रैम्पोलिन में कूदेंगे उदेंगे बट फिलहाल सिचुएशन ऐसा हुआ है कि लाइक हमने बहुत कुछ खा लिया है एंड लाइक अभी वहाँ जाके कूदना एंड ऑल तो पॉसिबल होगा नहीं। सो देखते हैं कुछ और करते हैं। बट आए थे हम लोग यहाँ आए थे बट देख रहे हैं कि यार बहुत बच्चे कूद रहे हैं लाइक बच्चों के बीच में जाके कूदना थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सो अब यहाँ से निकलते हैं कहीं और जाने का प्लान करते हैं कोई कैफे या फिर कोई रेस्टोरेंट जाएंगे। लेट्स सी। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like
just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a और बिल्ले, अरे ये तो उसकी गोद में आके सो गया। आजा, तू भी आजा। Well, I had a really awesome experience in Twisty Tail. मैंने पूरी लाइफ में इतनी different types of breeds of cat एक साथ पहले कभी नहीं देखी। Well, the charges are just 200 per person for half an hour. And the best part, after spending half an hour with your beloved animals, you can redeem that money with foods and beverages to the restaurant of the Twisty Tails. वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम लोग यहाँ आए थे एंड यहाँ आके जितना भी खाना पीना था, खाना पीना करके हम लोग सब अभी निकल रहे हैं। मैं भी अभी घर जाऊँगा और ये भी अभी घर जाएंगे, तो देखते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग भी निकलो। हाँ ओके, बाय बाय मेगा। वेल हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सिनेरियो ऐसा इज लाइक मैं बीच आया हूँ विद वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ उससे। तो मुझे रास्ते के बारे में पता नहीं था, बट शी टुक मी हियर एंड इसने मुझे नेविगेट किया है। वेल शी इज़ रिया, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, एंड इसने मुझे बताया है कि ये जगह का रास्ता है एंड ऑल, बिकॉज मैं गूगल मैप के भरोसे इतना था नहीं। तो शी नेविगेटेड मी हियर। तो अभी हम यहाँ आए हैं, बहुत ही सुंदर एंड खूबसूरत सा बीच है। भाई ये बीच का नाम क्या है, क्या है बीच का नाम? ECR बीच है। ECR में एक बीच है, इसका नाम पता नहीं, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, बट इट्स लाइक इट्स एन ECR बीच, ऐसा बोलते हैं इसे। तो अभी हम लोग दोनों आए हैं, यहाँ घूम फिर रहे हैं, थोड़ा देर चिल आउट करेंगे फिर यहाँ से जाएंगे। वेल एक्चुअली हम लोग यहाँ सनराइज़ देखने के लिए आए हैं, बट लाइक सनराइज़ तो मिला नहीं। तो तू बता कितने बजे हम लोग निकले थे यहाँ से? सो बेसिकली हम स्टार्ट किए थे 3 बजे के आसपास, रात के 3 बजे। यस, बहुत लाइक बहुत लंबा रास्ता सफ़र करके अराउंड ECR, फुल ECR राउंड मार के फिर आए हैं अभी ऑन टाइम। तो अब जस्ट वेट कर रहे हैं, हम यहाँ आ गए हैं और अभी यहाँ टाइमिंग क्या हो रहा है, इट्स लाइक 6 बजने वाला है। उजाला हो गया बट सनराइज नहीं हुआ है सही से। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू वहाँ से, एज यू कैन सी देयर, मतलब उजाला हो गया है चारों तरफ में, सनराइज नहीं हुआ है यार। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं सूरज को किरण निकलेगा एंड लाइक बढ़िया से शॉट लेंगे। पता नहीं, मौसम सुबह से इतना क्लाउडी है तो ये सीन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, चले देखते हैं। लेट्स सी, सोचते हैं समझते हैं। वेल फाइनली सनराइज हो चुका है एंड सनराइज बहुत ही प्यारा है। चलो वर्थ इट हुआ यहाँ आके वेट करना, एंड लाइक उतना बुरा एंड बेकार एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको सनराइज़ एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, जस्ट सी दिस, वो रहा सनराइज़। एंड लाइक यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही सही है सुबह सुबह के टाइम। अब देख सकते हैं लोग भी कम हैं एंड बीच भी बहुत ही अच्छा, प्यारा एंड क्लियर क्लीन बीच है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं हैं, यहाँ थोड़ा सनराइज़ का सनराइज़ देख रहे हैं, ये मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, इसे इंजॉय कर रहे हैं। एंड लाइक ये सब करने के बाद देखते हैं आगे क्या प्लान होता है। अच्छा सुन रिया, तू बता यहाँ सनराइज कैसा था? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, सी राइट, सो ब्यूटीफुल, नाइस। वेल बहुत मशक्कत करना पड़ा है, 3 बजे रात को निकले हैं ये व्यू के लिए बस। यहाँ कैमरा से आपको पता नहीं चल रहा होगा बट यार यहाँ से खड़ा होकर देखना इट्स लाइक टोटली ऑसम, सही है। Doing crazy dreaming.
अरे डॉगी 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 हाय डॉगी खेलो 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 देख के देख के तुझे अगर काट लिया ना मैं नहीं बचाऊंगा तुझे काटेगा ये हाय डॉगी फुल ब्लैक आती है हाय बोलो ओ इसने हाय बोला तुझे काटना नहीं वाह तूने तो नया दोस्त बना लिया अच्छी है ना बहुत मीट माय फ्रेंड वो हाय बोल रहा है वो हां दुम मिला के तुझे इशारे कर रहा है दूर रहे बस बस चल 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 इंटरेस्ट हट गया उसका तेरे से तो अभी फिलहाल यहाँ सनराइज देख के ख़त्म हो गया है अभी शायद हम यहाँ से ऐसा आगे रूट लेके पकड़ेंगे एंड लाइक वहाँ जाएंगे वहाँ मेरी दोस्त जो बोल रही थी कि लाइक विजय का घर है अच्छा सुन ये बोल रही थी शायद कि वहाँ विजय का घर है अरे शव उसी का घर है हाँ तो ये बोल रही है तो शायद मे भी होगा तो अभी हम जाएंगे वहाँ जाके मे भी विजय का घर देखने मिल गया विजय देखने मिल गया तो भाई वो तो किस्मत की बात है बट पॉसिबल नहीं है हाँ दैट्स नॉट पॉसिबल सो चलो उसका घर देख लेते हैं जो भी है जैसा है ट्राई देखते हैं जाके लेट्स सी अभी सिचुएशन इज़ लाइक कि हम लोग यहाँ रास्ता भटक चुके हैं विजय का घर ढूंढ रहे थे बट इसने रास्ता को भटका दिया अब क्या करें तो अभी वही हम लोग वापस यहाँ वहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं कि है एग्जैक्टली कहाँ देखते हैं मिलता है कि नहीं तो अभी हम लोग 3-4 लेन रास्ता गली फली सब ढूंढ लिया हम लोग बट लाइक विजय का घर मिल नहीं रहा है तो अभी लेट भी हो रहा है एंड धूप भी हो रहा है तो अभी करते हैं काम कि घर जाते हैं कुछ खाते पीते हैं रास्ते क्योंकि 3 बजे से निकले एंड बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो अगर मिल गया रास्ता अभी हम लोग वापस ऐसे जाएंगे अगर रास्ता में दिख गया तो मैं आपको दिखा दूँगा नहीं दिखा तो फिर छोड़ो क्या बोल सकते हैं तो बस देखते हैं चलिए वेल फाइनली वी हैव रीच्ड पता इसने बोला है कि लाइक यही है विजय का घर बट दिस हाउस लुक वेरी डोप एंड बोलते हैं यही है घर के वेल अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ गेट के अंदर घुस रहा हूँ एंड लाइक वो दोनों भी आते होंगे रेडी होके अभी उन लोगों के साथ मैं जाऊँगा मॉल उल जाएंगे फिर वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे एंड दे आर राइट हियर हे हाय गाइस दिस इज प्रिया आई कॉल हर प्रिया एंड दिस इज शेली मास्क निकाल के दीजा तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ 3 जन आ गए हैं अभी हम लोग मे बी ऑटो या फिर कैब लेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे फिनिक्स मॉल तो देखते हैं फन रहेगा जो भी है लेट्स सी
चल. सो फाइनली दिस इज फिनिक्स मॉल एंड हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं. अभी मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ. सो मैं यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का ऑरा और यहाँ का जो सराउंडिंग है वो सबको देख के मतलब थोड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ. दिस इज़ नाइस. सो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. एंड मैंने प्लान किया है कि लाइक यहाँ से कुछ परचेज भी करूँगा. सो लेट्स सी. तुम लोग बताओ मेरे को कि लाइक यहाँ से शॉप करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा दुकान है. लाइफस्टाइल तेरे हिसाब से क्या है? में तो अच्छे हैं. अरे अरे जेब अपना बजट हिसाब से सोचो. सेल चल रहा है एंड तो लाइफस्टाइल. सो देखते हैं. अभी यहाँ दो शॉप इसने सजेस्ट किया है, लाइफस्टाइल एंड पैलेडियम. अभी वहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है करके. बताना है तेरे को. सॉरी, पैलेडियम मॉल है, एचएम शॉप में जाएंगे अब ना. अभी सही बोला ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं. ये वाला क्या लगता है, सूट होएगा मेरे को? ये सीरियस नहीं, थोड़ा सा प्रिंट बहुत चाबी है. देखो भैया क्या बोलते हैं, सूट होएगा? हाँ एकदम सूट होएगा. सीरियसली मजाक में दिए हम लोग भी. यहाँ चेक अच्छे भी अच्छा है. वेल मैं आपको ना मेरा ना चलता फिरता मतलब कि ट्रॉली बैग दिखा रहा हूँ. ये देखो प्रिया, सारा कपड़ा पकड़ती है तुम. वो कहाँ गायब हो गई? शैली द बिस्वास इज गायब. अच्छा लगा लेकिन कलर. लेकिन अच्छा तो कितने गए? अच्छा लगा, ये बहुत सही लगा. एक्सरसाइज बड़ा ले रहा हूँ. बहुत सही लगा ये. बड़ा हो गया मेरा. हाँ बहुत बड़ा है. प्रिंट इज ओके बट बहुत बड़ा है. ठीक है. हाँ तो में से कौन सा लेना? ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन. अभी सिचुएशन ऐसा है कि लाइक मैंने शॉपिंग कर लिया है और इन दोनों ने मुझे हेल्प किया है शॉपिंग करने में. तो मैंने जो ड्रेस लिया वो बहुत ही सही है. अब फिलहाल यहाँ आए हम लोग ऐसा सामने सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं. यू कैन सी यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, प्यारा व्यू है. एंड अब जोरों की भूख लगी है. सो वी आर प्लानिंग डेट बर्गर किंग जाएंगे या तो फिर डोमिनोज, KFC, दो तीन ऑप्शन है वहाँ जाएंगे और कुछ खाएंगे. लेट्स सी. अरे आराम कर, आराम कर, आराम से आराम. नाम का बोलो मत, बोलो मत. देखते हैं. 214. वेल हियर्स द मील. खाते हैं, एंजॉय करेंगे. मैडम सर्व करी. दिस इज नाइस. हाँ सही है. अभी ऐसा हो कि बर्गर वर्गर खाने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं. मैं कोल्ड कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ और प्रिया यहाँ वॉफल्स ट्राई कर रही थी. लुक डिलीशियस. लोगों देखो फोटोशूट ही नहीं खत्म होते इन लोगों का. क्या मैडम आज खत्म होएगा? आज खत्म होएगा आपका फोटोशूट? हाँ जी जरूर. उम्मीद गर्ल्स, गर्ल्स वेरी गर्ल्स. सिर्फ फोटोशूट ही ध्यान में रखता था. वेल क्या ही बोलूँ, ये एरिया वॉशरूम एरिया है एंड लाइक वॉशरूम पे ये मेन एरिया में आके लोग फोटोशूट करें जस्ट बिकॉज यहाँ लाइटिंग अच्छे है. चल 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 आ जा 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 चल 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 भगवान. क्या हुआ तेरे को?
क्या बोलेगा लड़की को, उसका फेक हाथ से डर गई है। डरो नहीं, रेत्रो पकड़ेगा नहीं। हाँ वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आए हम लोग ये मॉल में एंड बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा मॉल है। अब यहाँ अभी 9 बजने वाला है एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब हम लोग सब लोग कैब के या फिर ऑटो ऑटो पकड़ के जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत ही मज़ा आया। कैसा था तुम लोगों का दिन? बहुत अच्छा था ना। चल ठीक है, चल निकलते हैं अभी। बाय बाय। चलो वेल दिस वॉज माई बेड एंड ये जो रूम है, आज मैं ये रूम छोड़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आज का डेट है 29 एंड 29 को मैं वापस अंडमान जा रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर जा रहा हूँ। वेल ये रूम को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा जस्ट बिकॉज मैंने एक हफ्ता से भी ज़्यादा ये रूम में मैंने स्पेंड किया है एंड बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं यहाँ से। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रुका था, बहुत ही फन करे, बहुत ही इन्जॉय करे एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज, one of the best memories of my good days. So बस अब बस इतना ही था। अब पता नहीं वापस यहाँ आने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब आएंगे देखते हैं। अब यहाँ से पैकिंग एंड ऑन हो गया है, अब यहाँ से मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, तो देखते हैं आगे। वेल दीज आर माई बैग्स, ये मेरा हैंड बैग एंड लगेज है। तो अभी मैंने रैपिडो बुक कर दिया, 5 या 10 मिनट में रैपिडो वाला आता ही होगा, सो लगेज उठाएंगे एंड जाएंगे। ठीक है वेल दिस इज माई आउटफिट एंड अभी मैं निकल पाऊँ यहाँ। चलो ठीक है बाय। देर फाइनली अभी टिकट मिल चुका है हमें एंड अब बोर्डिंग एंड ऑल कराना है, फिर देखते हैं। ऑलवेज वियर मास्क क्योंकि मंकी पॉक्स का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली जब आप एयरपोर्ट में हो तो मास्क हमेशा पहन के रखिए। वेल मेरा सिक्योरिटी चेक इन सब हो गया एंड मैं यहाँ बैठा हूँ कि कब बोर्डिंग टाइम होगा और मैं जाके फ़्लाइट में बैठूँगा। सो अभी यहाँ फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ उतना भीड़ नहीं है एंड अच्छा है, माहौल भी सही है। सो आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, जस्ट सी, यहाँ उतना भीड़ नहीं है एंड देयर्स मेरे मामा एंड मामी हैं, मैं उनके साथ वापस जा रहा हूँ। वो आए थे यहाँ अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए, सो मैं उन्हीं लोगों के साथ अब वापस भी जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। जितना दिन मुझे छुट्टी बताना था, स्पेंड करना था, सही था, इट वॉज़ नाइस एक्सपीरियंस। वेल चेन्नई इज़ अ गुड प्लेस, आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, अच्छा है एंड आई मेड लॉट ऑफ मेमोरीज ओवर हियर। सो अब देखते हैं कि वापस मौका कब मिलेगा, आई होप जल्दी मिले मौका। सो फाइनली मैं सीट पे बैठ चुका हूँ एंड मुझे लकीली विंडो सीट मिला है। सो बस आई एम एक्साइटेड गोइंग होम, बहुत दिन बाद होम सिकनेस होती था बट ठीक है, चलते हैं। आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह ना करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ एंड मेरी अकल पर कोई नहीं है, सही है। और हाय मम्मी, क्या है बेटा? सो फाइनली
मैं घर पहुंच चुका हूं। बस इतना ही था, ट्रिप बहुत ही सही से था, अच्छा से हो गया एंड लाइक अब घर पहुंच के शांति लग रहा है। सो वीडियो अगर अभी तक देखा है तो वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो पता है क्या करना है ना, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, सो डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज विवेक वाही साइनिंग ऑफ, सायोनारा। I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I whip it up, you just gotta hand me the rock.